الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك से वफा तूने तो हम तेरे
तेरे हैं, ये जहां दीद है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हर किस्म की हमद और सना अल्लाह वाहदहु ला शरीक की जात अकदस अतहर आला वाला वास्ते है। दुरूद और सलाम नबी रहमत रहमत दो आलम इमामुल अंबिया इमामुल मुरसलीन इमामुल मुजाहिदीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जात हो। हजरत मोहतरम आज के खुतबा के मतलब मुबारक के अंदर जो उनवान आप तुहाडे सामने मैं बयान करना चाहना सूरतुन निसा पहला रुकू मैं तुहाडे सामने इंशाल्लाह तर्जमा तफसीर माना मफहूम बयान करने का इरादा रखना। आइए जरा साडे माशरे के अंदर सब तो बड़ा अलमिया यह है कि असी मुसलमान हो करके दीन वास्ते लड़ सकते हाँ, दीन वास्ते किसी को कतल कर सकते हाँ, दीन वास्ते असी रोड़ बलाप कर सकते हाँ, दीन वास्ते असी गाड़ियाँ जला सकते हाँ, दीन वास्ते असी रैलियां जुलूस निकाल सकते हाँ, दीन वास्ते धरने दिते जा सकते ने। अफसोस यह है दीन वास्ते सब कुछ कर सकते हाँ पर दीन ते असी अमल नहीं करते। आओ अज दे खुतबा जुमतुल मुबारक के अंदर सूरतुन निसा पहला रुकू के इस रुकू के अंदर अल्लाह पाक ने सानू की मसला समझाया है। आ मसले मैं तुहाडे सामने मैं बयान करने दोबारा याद करो सूरतुन निसा पहला रुकू पहले रुकू के अंदर दस आयात ने किन्नी आयात ने दस आयात और इन दसा आयात के अंदर दस तो ज्यादा अहम मसाइल ने साडे माशरे के जिहड़े अल्लाह पाक ने बयान फरमाए और कई एक ऐसे मसाइल जिन्हें सानू पता है कि दीन के अंदर आ भी आंदा है दीन के अंदर आ भी आंदा है दीन के अंदर आ भी मसला है लेकिन असल मसले की नौइयत क्या है असल मसले का लुबे लबाब क्या है असल मसले का शान नजूल क्या है इंशाल्लाह अज के खुतबा जुमातुल मुबारक के अंदर तुहाडे सामने बयान होएगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला मैनू कलिमाते हक्का सहीहा सादिका बयान करन दी और मैनू तुहानू समझन दी अमल करन दी तौफीक अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन। या अय्युहन नासु तकु रब्बकुम अल्लज़ी खलकतुम من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله تعالى دے قرآن پاک دا چوتھا پارا سورۃ النساء اللہ تعالی دے قرآن پاک دی چار نمبر سورت ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر سب تو جڑی لمبی سورت سورۃ البقرہ اللہ پاک نے نازل فرمائی سورۃ البقرہ تو بعد دوسرے نمبر تے سب تو زیادہ بڑی اور لمبی سورت سورۃ النساء ہے اس سورت دیاں 176 آیات نے اس سورت تے 24 رکوع نے جدوں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑ کر کے
मदीना मुनव्वरा के अंदर तशरीफ ले करके आए। अल्लाह पाक ने मदीना मुनव्वरा के अंदर इस सूरत का नज़ूल फरमाया। अल्लाह पाक ने इस सूरत का आगाज जिन्ना लफ्ज़ां तो कीता उन्हां दा माना मतलब समझते जाओ। मैं तुहाडे सामने पहली आयत तैयबा पढ़िए, तर्जमे ते गौर करते जाया दे, माना मफहूम ते गौर करते जाया दे। फरमाया या अय्युहन्नासु, ऐ दुनिया कायनात वालियो, कुरान पाक के अंदर जिथे जिक्र आए या अय्युहल्लज़ीना आमनु, इस मुराद अहले ईमान हुंदे ने। जिथे कुरान पाक के अंदर जिक्र आंदा है या अय्युहल्लज़ीना काफरु, इस मुराद अहले कुफार हुंदे ने। जदों अल्लाह पाक जिक्र फरमांदे ने या अय्युहन्नासु, इस मुराद पूरी कायनात के लोग हुंदे ने। अल्लाह पाक सारियां नूं मुखातब करके ऐलान फरमांदे ने, फरमाया या अय्युहन्नासु तक्कू रब्बकुम, ऐ दुनिया कायनात वालियो अपने रब दे कोल डर जाओ। मिन नफ्सी वाहिदा, अल्लाह पाक ने सानू सारियां नूं इक जान तो पैदा फरमाया, यानी कि हजरत आदम पैगंबर हजरत हव्वा अलैहि सलाम इन्हां दे जरिए अल्लाह पाक ने सानू पैदा फरमाया। फिर अल्लाह पाक ने इस पूरी जमीन ते मर्दां ते औरतां दे सिलसिले नूं वसी फरमा दिता। फरमाया वत्तकुल्ला अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। पहली आयत के अंदर तीन मसले बयान हुए ने। अगर तुसी तर्जमा पढ़ो कुराने पाक दा, तुहानू मोटे मोटे तीन मसले मिलणगे। पहला मसला, अल्लाह दे कोल डरना चाहिदा है। दूसरा मसला, जिस रब दा नाम लै करके असीं इक दूजे कोलों सवाल करने आ, सानू फिर भी अल्लाह दे कोल डरना चाहिदा है। तीसरा मसला, सानू रिश्तेदारियां दा ख्याल करना चाहिदा है। अल्लाह पाक ने पहला हुकूकुल्लाह दा जिक्र फरमाया, फिर हुकूकुल इबाद दा जिक्र फरमाया। आओ मेरे मोहतरम भाइयो, मैं तुहाडे सामने कुराने पाक दी आयत पढ़दा जावांगा, फिर तर्जमा करदा चला जावांगा, फिर उस आयत तो मिलन वाले सबक तुहाडे सामने रखदा चला जावांगा। पहली आयत तो मिलन वाले तीन सबक ने कि सानू अल्लाह दे कोल डरना चाहिदा है। आओ मेरे मोहतरम भाइयो, 2005 दे अंदर बालाकोट कश्मीर दे इलाकियां दे अंदर जलजला आया, कयामत सुगरा बरपा हो गई है, असीं फिर भी रब दे कोल नहीं डरे। 2018 या 19 दे अंदर करोना वबा आई है, पूरी दुनिया नूं अपने लपेट दे अंदर लै लिया है। हजरात दे मोहतरम, हत्ता के खाना काबा मदीना मुनवरा मस्जिद नबवियां बंद कर दित्तियां गईयां, असीं फिर भी अल्लाह दे कोल नहीं डरे। साड़ियां इत्तां लुट लईयां गईयां, कश्मीर दे अंदर लॉकडाउन लगा दित्ते गए, असीं फिर भी अल्लाह दे कोल नहीं डरे। आओ मेरे मोहतरम भाइयो, अज नहीं डरांगे ते फिर कदों अल्लाह दे कोल डरांगे। सुनो मेरे मोहतरम भाइयो, आ हुण रब ते डर ते सूरत निसा दा आगाज़ हुंदा पिया है। अल्लाह पाक सानू जिहड़े मसले समझाना चाहुंदे ने उहनां दी तदाद पहला मसला समझाया। ओए लोगो, अल्लाह दे कोल डर जाओ, जिस रब दे कोल डरते हो फिर उंदियां गल्लां भी मन्नो। आ हुण रब ते डर ते सर नूं झुका, पिछे कम नी आउणी तेरी इल्तिजा। आ हुण रब ते डर ते ए दुनिया नूं समझी, ना हमेशा तमेला। ए दुनिया नूं समझी, ना हमेशा तमेला। ए जिंदगी ये जन्नत कमावण दा वेला, ए जिंदगी ये जन्नत कमावण दा वेला। ए अनमोल वेला एवें ना लंगा, पीछे कम नी आउणी तेरी इल्तिजा। तकब्बुर ना कर रब नु नाराज़,
ना कर, तकबर ना कर, रब नू नाराज ना कर, तू बंगले ते महला ते नाद ना कर, ओ कबरां दे वेड़े ते तेरी जगा, पीछे कम नी आनी तेरी इल्तजा, ए बंगले जमीना ते गड्डियां न हो सर, कफन नाल जीबा लगियां न हो सर, ए बंगले जमीना ते गड्डियां न हो सर, कफन नाल जीबा लगियां न हो सर, तेरे बैंक बैल न कर सर वफा, पीछे कम नी आनी तेरी इल्तदा। सब तो पहला जुमला ओए लोगो अल्लाह दे कोल डर जाओ, जे असी नहीं डरांगे ते फिर कदों डरांगे। दूसरा जुमला फरमाया अल्लाह दा नाम लै करके रिश्तेदारियां जोड़ दियो, अल्लाह दा नाम लै करके निकाह दियां तकरीबात मुनक्कद कर दियो, अल्लाह दा नाम लै करके किसे चीज दा सवाल कर दियो, उस रब दे कोल तुहानू डराया जांदा है। तीसरा जुमला फरमाया वल अरगाम, रिश्तेदारियां तोड़न तो बाद आ जाओ। आओ मेरे मोहतरम भाईओ, रिश्तेदारियां तोड़न दा की मतलब है, रिश्तेदारियां जोड़न दा की मतलब है, रिश्तेदारियां जुदा जुदा करन दा की मतलब है, रिश्तेदारियां कठियां करन दा की मतलब है। आओ मैं तुहानू एक हदीस तजिबा सुनावा, फिर उस तो बाद तुहानू एक छोटा जिहा वाकया सुनावांगा। आओ हजरात मोहतरम, मेरे नबी पाक अली सलातो व सलाम ने फरमाया, हदीस जामे तिरमिज़ी दे अंदर आप अली सलातो व सलाम फरमांदे ने, कायनात दे रब ने ऐलान कीता है, मन वतलहु वसलहुल्ला व मन कतअहु कतअहुल्ला, जेड़ा बंदा रिश्तेदारियां जोड़ेगा अल्लाह पाक उन्हें अपने नाल जोड़ छड़ेगा, जेड़ा बंदा रिश्तेदारियां तोड़ेगा रब उन्हें तोड़ छड़ेगा। आओ मेरे मोहतरम भाइयो, हुण छोटा जिहा वाकया सुन के चले जाया जे। साडी जमात दे इक नामवर खतीब ने अल्लाह ताला हयातियां फरमाया उन्हां दियां, अपनी तकरीर दे अंदर उन्हां ने इक वाकया बयान फरमाया, वाकया फैसलाबाद दे इलाके दा है। सुनो मेरे मोहतरम भाइयो, एक बिजनेसमैन बंदा है, ओदियां बड़ियां ज्यादा फैक्ट्रियां ने। हजरात दे मोहतरम है, एक दिन बीमार हुंदा है, जदों होस्पिटल दे अंदर उन्हूं लिजाया जांदा है, जदों होस्पिटल दे अंदर लिजाया जांदा है, उहदा जिस्म दे अंदर खून टेस्ट कीता जांदा है, जदों खून टेस्ट कीता जांदा है रिपोर्ट दे अंदर लिखिया हुंदा है तेनू कैंसर हो गया, तेरा मर्द वधदा चला गया है। आओ मेरे मोहतरम भाइयो, बंदा परेशान हो जांदा है, घर दे अंदर आंदा है, घर दे अंदर रिपोर्ट दे मसला देन दे अंदर है, मैनू कैंसर हो गया, हुण लिया दा मैं बच नहीं सकदा, डॉक्टरां ने दवा दे दित्ता है, हुण मैं की करांगा, अपने बच्चियां नू वेखदा है, अपनी मौत दा ख्याल आंदा है, अपनी रिपोर्ट नू वेखदा है, अपने बच्चियां दा ख्याल आंदा है। हजरात दे मोहतरम, बंदा बड़ा परेशान हो जांदा है, कहिंदा मैं मरना नहीं चाहुंदा, मौत आ के रहेगी लेकिन मैं अजे मरना नहीं चाहुंदा, दिल दे अंदर ख्याल आंदा है। हजरात दे मोहतरम, ओ बंदा परेशानी दे आलम दे अंदर सोचदा है, हुण मैं किहड़े डाक्टर दे कोल जावां, रिपोर्टां ते आ गईआं ने कि मैनूं कैंसर दा मर्ज लग गया है, हुण मैं बच नहीं हो सकदा, मेरी जिंदगी मौत दा कोई पता नहीं हो, हुण मैं की करां, किधर जावां, मस्जिद दे अंदर नमाज पढ़न वास्ते जांदा है, परेशानी दे आलम दे अंदर नमाज पढ़दा है, कारी साहब नमाज पढ़ के मसल्ले ते तशरीफ फरमाने, उठ करके कारी साहब दे कोल आंदा है, आ के सवाल करदा है, कारी साहब जी आ मेरा मसला है, क्या इस दीन इस्लाम दे अंदर कोई ऐसा मसला मौजूद है जिंदे नाल मेरी जिंदगी बद जाए, क्या दीन इस्लाम दे अंदर कोई ऐसा मसला मौजूद है मैनूं मौत जल्दी ना आए, कारी साहब ने फरमाया हाँ सोहणिया बिल्कुल मौजूद है, कारी साहब जी दसो ते सही ना केड़ा मसला है, कारी साहब फरमांदे ने मैं नबी पाक अली सलातो व सलाम दे कदी से तहिबा पढ़िए उस कदी से पाक दे अंदर आंदा है, आप अली सलातो व सलाम फरमांदे ने सहाबा मन अहब अयुब सतलहु फी रिज़की, हर मैं सहाबा जेड़ा बंदा ए पसंद करदा है उंदे माल रिज़क दे अंदर बरकत पा दे
ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ, ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੀਸਰੀ ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨ। ਆਪ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਫਲਿਆ ਸਿਲ ਰਾਹੀ ਮਾਊ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜੋੜਿਆ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਭਰਾ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਦਰ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬੋ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲੈ, ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਸੁਲਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਹਿਣ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਆਖੀਏ, ਬਹਿਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਐ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਛੱਡ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਰਾਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ, 35 ਜਾਂ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਯਾਰ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਵਾ, ਲਾਹੌਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰਾ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੈਮੀ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤਬੀਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਯਾਰ ਆਖਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ, ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਤਿੰਮਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਬਾਜੋ, ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤਾਂ ਵੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਏ ਜ਼ਾਲਮਾ ਪਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੌਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮੁੱਕ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਬਾਈਓ, ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਜਾਓ, ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਜਾਓ, ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਕਰੋ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਬਾਈਓ, ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਆ ਤੁਲੀਯਤਾਮ ਅਮਵਾਲ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا। ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਖਸੂਸਨ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅਹਕਾਮਾਤ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਏ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ
जो जिन्हें किसी यतीम का माल वापस करना है सही सही बगैर फराड कीतिया बगैर दो नंबर चीज न जमा कीतिया देने के बजाय बल्कि सही सही चीजा उन्हें वापस लुटा दियो सही सही हक के नाल उनका चीज उनका सौदा उनका माल उन्हें वापस लुटा दियो और मैं उन्होंने माल अपने माल के नाल मिला करके ना खाओ ये यकीन बहुत बड़ा गुनाह है। तीसरी आयत तुम्हारे सामने पढ़ा वाइन फिर तुम अल्लाह तुकसी तू फिल यतामा फल की हु माता बलक मिनन निसा मसना वसुला सवरवा वाइन फिर तुम अल्लाह ता दिलू फवाही दतन अवमा मलकत ईमानुकुम जालिका अदना अल्लाह तौलू। इस आयत तैयबा के अंदर तीन नंबर आयत है मसला समझ करके ले जाया थे। इस आयत का एक शाने नजूल है जिड़ा मैं तुहाडे सामने बयान करता चला जावा। बुखारी शरीफ की किताब तफसीर के अंदर इस आयत के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने इस आयत का शाने नजूल बयान करते हैं। सुनो मेरे मोहतरम भाईओ अरब के इलाके के अंदर मदीना मुनवरा के अंदर एक औरत है औरत का बाप दुनिया पर कोई नहीं औरत की मां दुनिया पर कोई नहीं उनके को काफ़ी ज्यादा माल है जोड़ा उनका वाली है ना जोड़ा उनके उनकी परवरिश करने वाला उनकी देखभाल करने वाला। हजरात मोहतरम उस बंदे चंगी लगी है इस औरत अगर मैं निकाह करना वा इनका सारा माल मेरे को आ जाएगा ये माल मेरे को आ जाएगा। हजरात मोहतरम है फिर दो मसले बन गए सी माल तो मिल जाएगा हो सकता है उन्हें दिल की रजामंदी के नाल उस औरत ने निकाह ना किया होए सिर्फ माल की वजह तो निकाह किया होए हो सकता है उन्हें उनका हुसन चंगा ना लगे उनका माल चंगा लगे माल की वजह करके उन्हें निकाह किया है। हजरात मोहतरम माल मुक जाएगा फिर उनकी इज्जत भी करनी छड़ देगा जिंदगी के अंदर कई एक मसले बन जाएंगे। अल्लाह पाक ने शायद का नजूल बयान नजूल नाजल करके मसला बयान फरमाया फरमाया अगर दुनिया कायनात वाले हो किसी यतीम दे नाल निकाह करना चाहते हो अगर तुसी इंसाफ नहीं कर सकते अपने खानदान के यतीम बच्चियां दे नाल अगर तुसी इंसाफ नहीं कर सकते साडे माशरे के अंदर की हुंदा है निकाह ते कर लिया जांदा है फिर पूरे खानदान के अंदर इस बात ते मान कीता जांदा है असी उन्हां दे सिर ते हाथ रखिया लेकिन उन्होंने साडी इज्जत ना कीती असी उन्हां दा भला सोचिया लेकिन उन्होंने साडा पला ना सोतिया। आओ मेरे मोहतरम भाईओ अल्लाह पाक फरमांदे ने ऐसियां गल्लां करन नाल बेहतर है तुसी दूसरे दो लोगों दे नाल दूसरे खानदान दे नाल दूसरियां औरतां दे नाल चाहे दो निकाह कर लो या तीन निकाह कर लो या चार तक निकाह कर सकते हो। अगे अल्लाह पाक फरमांदे ने ज़ालिका अदना अल्लाह तौलो अगर तुसी इंसाफ कर सकते हो ना फिर दो निकाह करो अगर इंसाफ कर सकते हो तीन भी निकाह कर सकते हो इंसाफ कर सकते हो चार भी निकाह कर सकते हो। हुण आओ जरा इस मसले नूं तुहाडी जुबान के अंदर समझावा तुहाडे लफ्ज़ां के अंदर समझावा। साडे माशरे के अंदर बंदा पहली शादी करदा है फिर बाद दूसरी शादी दा सोचदा है दूसरी शादी करदा है फिर तीसरी शादी इंसाफ कर सकदे अल्लाह पाक फरमांदे ने फिर शादियां कर अगर इंसाफ नहीं कर सकता फिर शादी नहीं फिर एक ही शादी बिल्कुल काफी है। आ हुण असीं किन्ना कु इंसाफ करदे हां बाप दुनिया तो टुर गए असी जायदाद के अंदर अपने भरा हक पूरा नहीं दिता असी जालम बन गए आदल नहीं बने भैनों हक नहीं दिता जालम बन गए आदल नहीं बने। दुकान से मजदूर काम करते हैं कम ज्यादा लिया जाता है मजदूरी थोड़ी दी जाती है असी आदल नहीं बने असी जालम बन गए फिर असी दूसरी छाती का सोचते पे हाँ जो इतने तेरे को आदल नहीं हो सकिया सोने फिर उतरे को आदल कहन जाएगा। आओ मेरे मोहतरम भाईओ
ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਦੋ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਅਦਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਦੋ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੇ ਦੋ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤਰਫ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਕੰਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਫਾਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਗਰ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਨਿਕਾਲੀਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਹ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਚੌਥੀ ਆਏ ਸੁਣਦੇ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਜੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਆਤੁਨ ਨਿਸਾ ਸਦਕਾਤਿ ਹਿੰਨਾ ਨਿਹਲਾ ਫਾ ਇਨ ਤਿਬਨਾ ਲਕੁਮ ਅਨ ਸ਼ੈਇਮ ਮਿਨਹੁ ਨਫਸਾ ਫਕੁਲੂਹੁ ਹਨੀਯਮ ਮਰੀਆ ਇਸ ਆਇਤ ਤੈਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਨਾ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਸੁਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੁਨਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੁਨਤ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਦੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾ ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲੋਕੋ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਖਿਆ ਲੋਕੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਜਾਓ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹਰ ਮਸਲਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋਏ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮਰਦ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕਈ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦਿਖਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਉਹ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਇੰਨਾ ਇਰਾਦਾ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਨੀ ਤੇ ਬਦਕਾਰ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਤੇ ਡਕੈਤ ਤੇ ਲੁਟੇਰਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹਤਰਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ ਹੱਕ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਣਾ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਮਸਲਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦਿਸੇ ਬਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਤਾਯੁਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕ ਰੱਖਿਆ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਸਬੇ ਇਸਤਤਾਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੁਫੀਕ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹਤਰਮ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤਫਸੀਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉਹ ਚੰਦ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਐਤਾਂ ਵੀ ਹਿਫਤ ਕਰਵਾ ਕਰਕੇ ਤੰਦ ਐਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹਦੀਸ ਸਹੀਹ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਆਪੀ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਸੂਰਤਾਂ ਹੱਕ ਮਹਿਰ
ना पालन देने बच्चा बालक हो जाता है या जेठा बंदा 15 साल उम्र हो गई है हजरत के मोहतर में जेडी गल तुहाडे सामने जिक्र करना चाहना वा जिस बंदे नु समझदारी मिल जांदी है ओ बंदा बालक हो जांदा है। आओ मेरे मोहतरम भाइयों जो एक बच्चे के अंदर शऊर आ गया है बच्चे अंदर समझ ते तवानाई आ गई है फिर ओंदे माल सुपुर्द कर दिता जाए नाल अल्लाह पाक ही फरमांदे ने कि तो माल सुपुर्द करने नाल दो चार गवाह भी मुकर्रर कर लेने ने आ माल इना बच्चियां दा मैं वापस लुटाना पिया वा। आओ अगला मसला वबतलुल यताम हत्ता इदा बलगुन निका फ इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फदफऊ इलैहिम अमवालहुम वला ताकुलूह इसराफन व बिदारन अन यकबरू वमन कान गनीयन फलयस्तअफिफ वमन कान फकीरन फलयाकुल बिलमारूफ फइदा दफअतुम इलैहिम अमवालहुम फअशहदू अलैहिम व कफा बिललाहि हसीबा। हज़रात मोहतरम इस आयत का मतलब ते तर्जमा ए है जेड़ा माल ते असीं वारस बने आ उन्दे को ज्यादा तो ज्यादा बचो तुसीं रखवाली ते करो पर माल नू अपने कंट्रोल दे अंदर रखण दे नाल खुद ना खाओ इन्हां बच्चियां दा माल जल्दी जल्दी मैं खा जावां। अगर तुसीं कमजोर हो तुहाडे खराजा ज्यादा ने हस्बे तुफी तुसीं खा भी सकदे हो तुहाडे ते गुनाह नहीं होएगा। अगली आखरी आयत पढ़ करके अल्लाह पाक ने बड़ी प्यारी गल कर दित्ती है वाकफा बिल्लाहि हसीबा तुसीं किसे नू हिसाब देंदे हो तुसीं जित सकदे हो किसे बच्चे नू हिसाब देंदे हो तुसीं जित सकदे हो लोकां नाल वकालत करदे हो जित सकदे हो फरमाया वाकफा बिल्लाहि हसीबा। लेकिन याद रखो सब तो ज्यादा बेहतरीन हिसाब लैण वाली अल्लाह दी ज़ात है अल्लाह नू हसीब मन्नियां दे अल्लाह पाक हिसाब किताब करन वाली ज़ात है। लोकां दे हिसाब दियां जित सकदे हो लेकिन जदों अल्लाह ने हिसाब करना है एक जर्रा जर्रा बराबर भी तुहानू हिसाब देना पै जाएगा। आओ मेरे मोहतरम भाइयो 7वीं नंबर आयत के अंदर बयान फरमाया लिर्रिजाल नसीब मिम्मा तरकल वालिदान वल अकरबून वलिन्निसा मिम्मा तरकल वालिदान वल अकरबून मिम्मा कल्ल मिनहु औ कासुरा नसीब मफरूजा। हर मां दुनिया कायनात वाले हो जरा बंदा दुनिया तो चला गया या मां बाप दुनिया तो चले गए रिश्तेदार दुनिया तो चले गए जेड़े वारस बने ने ना माल दे वो ते सिद्दी से पाक दे मुताबिक है उन्हां दे हिस्से बिल्कुल मौजूद है कि बेटी नु आ हिस्सा दिता जाएगा बेटे नु आ हिस्सा दिता जाएगा बीवी दा हिस्सा बनदा है एते वारस मौजूद ने ना। ऐसे लोग जेड़े रिश्तेदार ने उन्हां दे हिस्से बयान नहीं होए अगर उन्हां लोगों दे विचों कोई बंदा तुहाडे कोल मौजूद है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज़रात मोहतरम थोड़ा जिहा माल उन्हां नू भी दे दिया करो उन्हां दे नाल बद कलामी नहीं करनी। अज माल तकसीम करन लगे आ इक इधर मूंह चक करके आ गए ने इक इधर माल लैण वास्ते आ गए ने थोड़ा बहुत उन्हां नू दे छड्डो क्योंकि खानदान के अंदर बरादरियां के अंदर हज़रात मोहतरम हर बंदे दे इक दूसरे नाल बड़ा तालुकात अच्छा हुंदा है किसी ना बड़ी अच्छी रवादारी होंगी है बड़े अच्छे मामलात होंगे ने। हर माए जिते हसी सवालियों पैसे मिलने ने हिस्सा वालियों माल मिलने जिन्ना दे हिस्सा नहीं बनता उन्होंने कुछ ना कुछ दे छड़िया करो अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर बयान फरमाया। आओ हज़रात मोहतरम अगली बात जी बयान फरमाई हर माया वाइदा हाजर अल किस्मत उलुल कुरबा वल यताम वल मसाकीन फरजुकूहुम मिनहु وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا اس آیت ایک شان نزول ہے۔ آؤ میرے محترم بھائیو اسلام تو پہلا نا جڑی وراثت ہے ان چار اصول ہوندے سن باپ فوت ہو گیا ہن دولت چھڈ کے دنیا کو گیا ہے بس ان دی دولت دا وارث بڑا پتر بنے گا چھوٹے پتر نہیں بن سکتے چھوٹیاں دیاں نہیں بن سکدیاں अगर बेटी वड्डी है पुत्र हो तो छोटा है फिर ही वड्डा बेटा ही माल दा हकदार बनेगा एक पहला दस्तूर है। दूसरा तरीका सिर्फ पुत्र ही वारस बनेंगे बेटियां वारस नहीं बनेंगियां। तीसरा उसूल हजरात ने मोहतरम बाप दुनिया तो चला जाता जेड़ा माल है किसी बेटे के सुपुर्द करके चला जाता
आप दो तीन बेटियां नु मिलेगा बाकी नु नहीं मिलेगा। इस्लाम के दस्तूर ने इसरा ते मुहतरम नबी पाक अली सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक ने नतीजा नु खत्म कर दिता है और अल्लाह पाक ने की हुक्म नाजा फरमाया और मैं दुनिया कायनात वाले हो रिश्तेदारां दे अंदर जिन्ना दे हिस्से बयान होए उन्हां नु कमाल जहूर मिलेगा चाहे मर्द होए या औरत होए माल थोड़ा होए या ज्यादा होए जो हिस्से बयान होए ने ना अगले जुमे दे अंदर इंशाल्लाह बयान होंगे। नबी पाक अली सलाम ने फरमाया जो हिस्से बढ़ते ने वो तकसीम किए जाएंगे। आओ हजरात मोहतरम इस आयत ते को होर मसला मिलता है जो एक बंदा फौत हुंदा है दुनिया तो जा रहा हुंदा है हजरात मोहतरम कोई हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है एक बंदा दुनिया तो जा रहा है उनके करीब सारे पुत्र ते मौजूद कोई नहीं सारिया बेटियां ते मौजूद कोई नहीं या पुत्र ते बेटियां मौजूद कोई नहीं कोई भरा मौजूद है अगर भरा भी मौजूद कोई नहीं कोई खानदान का होर बंदा मौजूद है। अल्लाह पाक फरमाते ने ऐसा बंदा जरा दुनिया तो जाता पे है वो चंद गल कह के जाया करता है आ मेरा माल है ना फलाने इतना दे छड़िया दे आ जरा माल है ना इन्हू इस तरह तकसीम कर लिया दे मेरी औलाद का हिस्सा दे करके जरा बाकी बच जाएगा उस माल इस फलां फलां जगह पर तकसीम कर दिया दे। हजरत मोहतरम अल्लाह पाक फरमाते ने वल यक्षल्लदीन लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़ियाफन खाफु अलैहिम फलयत्तकुल्लाहा वलयकूल कौलन सदीदा। फरमाया ऐसा बंदा जिहड़ा दुनिया तो जा रहा है वो दुनिया तो जांदियां जांदियां जिहड़ी वसीयत करके जांदा पिया है जिहड़े उहदे कोल लोग मौजूद ने ना उहनां लोकां नूं अल्लाह ते कोल डरना चाहीदा है। अगर इस बंदियां दे खुद अपनी औलादां हुंदियां ओह दुनिया तो जा रहे होंगे इहनां नूं किन्ना ख्याल हुंदा अपनी औलाद दा। हुण इह बंदा दुनिया तो जा रहा है हुण इहदे बेटे ने इहदियां बेटियां ने इहदे बारे दुद्ध गल्लां दस करके जांदा पिया है जिहड़े पास बैठे लोग मौजूद ने ना उहनां नूं चाहीदा है सही सही सच्चियां गल्लां बयान करन हज़रात मोहतरम अल्लाह दे कोलों डरन सच्ची सच्ची गल करन कि इस दुनिया तो जाण वाले बंदे ने आ मसला कीता है आ सानूं गल समझा करके गया है उहदे मुताबक फैसला कीता जाएगा। आओ दसवीं नंबर आए सुनो गल मुकाइए सूरत निसा दा पहला रुकू खत्म हुंदा पिया है। सुनो मेरे मोहतरम भाइयो फरमाया इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा वसा यस्लूना सईरा। काश के सायत दा सानूं पता हुंदा साडे कई इक गुनाह साडे को सरजद ना हुंदे। काश के सायत दा सानूं पता हुंदा साडियां कोर्ट ते कचहरियां इन्नियां बहाल ना हुंदियां। काश के सानूं सायत दा पता हुंदा किसे गरीब दी जिंदगी मुश्किल ना बणदी हुंदी। अल्लाह पाक फरमांदे ने दुनिया वाले सुन कर के लै जाओ अल्लाह पाक ने सायत दे अंदर सारी सूरत दे अंदर सब तो पहला अल्लाह दे कोलों डरन दा हुक्म दित्ता है उस तो बाद अल्लाह दे नाम दा सवाल करदे हो उनदे कोलों डर जाओ फिर बाद सिले रामियां दा हुक्म दित्ता है फिर यतीम दे माल दा हुक्म दित्ता है फिर दो जां चार ने कहा उदो करो जदों अदल कर सकदे इस बात नूं समझाया उस तो हक मैर दे मसले समझाए फिर बाद शऊर तक पहुंचते तक तुसीं जिस माल दे वाली बणे हो उहनूं अपने तसरुफ अंदर लै के आंदे हो उहदे ते कब्जा ना करो फजूल खर्ची ना करो उहदे अंदर ना इंसाफियां ना करो। उस तो बाद अल्लाह पाक ने विरासत दे मसले समझाए फिर अल्लाह पाक ने यतीम दे माल दे बारे मसला समझाया। फरमाया ऐसे बंदे जिहड़े दुनिया ते रह करके यतीम दा माल खांदे ने नबी पाक अली सलाम ने फरमाया वासा यसलूना सईरा इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। फरमाया जिन्ना माल खा रहे ने यतीम दा जिन्ना माल खा रहे ने फरमाया वो माल नहीं खा रहे हो अग खांदे पए ने। हज़रात दे मोहतरम इब्ने हिब्बान दी इक रिवायत है फरमाया कल कयामत वाला दिन होएगा जो लोगों नूं कब्रां तों उठाया जाएगा ना नफ्सो नफ्सी दा आलम होएगा। ऐसा बंदा जिहड़ा दुनिया ते रह करके यतीम दा माल खाण वाला होया करदा सी हज़रात दे मोहतरम इहदे नासां तों इस तरह नक दे नथनियां विचों अग निकलदी होएगी इहदे मूंह दे सांत विचों अग निकलदी होएगी इहदे कन्नां तों अग निकलदी होएगी क्योंकि माल दे ज़रिए
अख चो अग निकलती होगी, इन नथनिया चो अग निकलती होगी, इन मुंह चो अग निकलती होगी, इन हथा चो अग निकल हो। आओ मेरे मोहतरम भाईओ, अजे हिसाब किताब नहीं होया, अगर जन्नत ते दोजक दे लान नहीं होए, पहले इन मुंह चो अग निकलनी शुरू हो गई है। वाका यसलूना सईरा, अन करीबे नू उस जहन्नम दे अंदर सट दिता जाएगा, जिन्हें यतीमां दा माल खाता है। आओ मेरे मोहतरम भाईओ, अज दे दौर दे उन लोगों दे सामने मैं मिन्नत करना चाहना वा, बाप टुर जांदा है, तरह तरह दी रस्मां दा नाम दे कर के यतीम दा माल ना खाया करो, तरह तरह दे हवाले दे के यतीम दा माल ना खाया करो। बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान कीता है, एक बंदे दे घर जिंदे घर फोतगी हुई है, तीन दिन तक खाना ना पका, सच्चे गुआंढी या खब्बे गुआंढी या खानदान वाले तमाम करम मेहमानों का, जिहड़े करीबों आए ने, जिहड़े घर दा के खा सकते ने, उन्हां तक बनते घर जाके खान, उस घर के अंदर खाना ना खान, और वो निकलते जनाजा पढ़ लेंगे, चंद लम्हे मिल जाएंगे, चंद टुकड़े मिल जाएंगे खान पीन वास्ते। अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खान तो मना फरमाया है। आओ मेरे मोहतरम भाईओ, अज कोई फोत हुंदा है तां तरह तरह दी डिशा खाइया जांदियां ने, पकाइया जांदियां ने। आओ मेरे मोहतरम भाईओ, एक बंदा फोत हुंदा है, बकायदा खान पीन दा ऐलान कर दिता जांदा है, एक कित्थों दी शरीयत है, एक कित्थों दा दीन है, इस्लाम दे अंदर नहीं आया। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम दे इतने सहाबा शहीद होए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिंदगी दे अंदर आप दी तीन बेटियां दुनिया तों रुखसत होईयां, आप दे तीन बेटे दुनिया तों रुखसत होए, आप दे दो बीवियां दुनिया तों रुखसत होईयां, हजरत दे मोहतरम अठ अहले बैत दे फराद दुनिया तों रुखसत होए ने, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम दे घराने दे फराद दुनिया तों रुखसत होए ने। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी रस्म दी बना ते लोगां नूं इकट्ठा नहीं कीता, हजरत दे मोहतरम ऐसियां महफलां नहीं सजाइयां जिन्हां दे अंदर खाण पीन दे तमाम कीता जाए। हुण तां बाप तुर गए, बच्चे यतीम हो गए ने, इन्हां दा माल खाया जांदा है, जे ए हराम है ना, आ वी बिल्कुल हराम है। बाप दुनिया तों तुर गया है, जिहड़ी वारस हक विरासत है ना, ए विरासत तेरा भी हक बनदी है, तेरी बहन दा भी हक बनदी है। ओए जालिमा, बहन दा हक तू खा रहे है, इस आयत नूं याद करके लै जा। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा, बल्कि किसे पाक अंदर आंदा है, जो आयत उतरी है ना, सहाबे किराम ने सुनी है, अपने घरां दे अंदर गए ने, जा करके ओ बच्चे जिहड़े यतीम सन, जाके बर्तन अलग अलग कर दिते, अपनी बीवी नूं कहण लग गए ने, अल्लाह वालिए इन्हां दा खाना बिल्कुल अलग कर दे, इन्हां दे बर्तन बिल्कुल अलग कर दे, असीं नहीं चाहुंदे कि इन्हां दा बर्तन साडे कोलों टुट जाए और तुहानूं हिसाब देना पै जाए। हज़रात दे मोहतरम, अल्लाह पाक ने फिर मदीन मसला बयान फरमाया, और अल्लाह पाक नूं पता है जिहड़ा जुल्म दी बना ते खा रहे, जिहड़ा बंदा मरूफ दे मुताबिक खा रहे है। आओ मेरे मोहतरम भाईओ, यतीम दा माल खाना किसी सूरत अंदर जायज नहीं, जिहड़ा खा रहे है अपने पेट दे अंदर जहन्नम दी अग भरदा पिया है। जिहड़ी बाप दी विरासत असीं खा रहे हां, भैणा नूं नहीं देवांगे, अपने पेट दे अंदर असीं जहन्नम दी अग भरदे पए हां। हाय काश कि सानूं इन्हां बातां दा पता हुंदा, इही पैगाम अल्लाह दे कुरान दा। या अय्युहन नास तक्कू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। फरमाया दुनिया कायनात वालियो, अल्लाह दे कोल डर जाओ, जिस रब ने तुहानूं पैदा कीता है उस रब कोल डर जाओ, रिश्तेदारियां जोड़िया करो। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह ताला तुहाडे ते निगरबान ने, तुहाडे ते वकील ने, तुहानूं वेखण वाले ने। अल्लाह पाक सानूं अमल करन दी, समझन दी और सानूं बातां अगे पहुंचाउण दी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वा आखिर दावान अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।